हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो आर यू रेडी फॉर योर ईवीएस क्लास? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 10 आर नेबरहुड. ठीक है, आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 10 आर नेबरहुड की एक्सप्लेनेशन करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ नेबरहुड. नेबरहुड क्या है? सो आप लोग जानते हो नेबरहुड क्या है? जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर में देखो विंडोज दिखाई हैं और अलग अलग तरह के जो है घर दिखाएं. देखो कलरफुल है ना, इसका मतलब सब अलग अलग घर है लेकिन पास पास हैं. तो द हाउसेस बिल्ट क्लोज टू ईच अदर मेक अप अ नेबरहुड. जो घर एक दूसरे के आसपास बने हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेबरहुड. और फिर सेकंड है, नेबरहुड इज़ द एरिया अराउंड आर हाउस. नेबरहुड और क्या है, नेबरहुड एरिया है जो हमारे घर के आसपास का होता है. घर, सिर्फ घर आसपास होना नेबरहुड नहीं कहलाता है, उसके अलावा घर जो हमारे घर के आसपास घर होते हैं या फिर और भी चीज़ें होती हैं वो सारा क्या कहलाता है, नेबरहुड. इट इंक्लूड्स ऑल द शॉप्स हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. मतलब जितने भी शॉप्स हैं हमारे आसपास, हाउसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं या फिर पार्क वगैरह, वो सब क्या है, हमारा नेबरहुड कहलाता है. ओके, सो अब नेबरहुड हो गया, देन द क्वेश्चन इज हु आर नेबर्स. अब नेबर्स कौन है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, देखो दो घर बने हुए हैं, एक जगह जो है एक फादर एंड सन खड़ा है, एक जगह जो है छोटा लड़का खड़ा है. तो जो क्या है, द फैमिली इज लिविंग नियर आर हाउस आर आर नेबर्स. जो फैमिलीज हमारे घर के आसपास में रहती है, ठीक है, आप रहते हो आपके घर के बगल में, कोई और फैमिली भी रहती है, आपकी फैमिली किसी और की फैमिली, तो वो क्या होते हैं, आपस में नेबर्स होते हैं. वो हमारे नेबर्स हैं जो हमारे घर के पास में रहते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड नेबर्स. और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो आसपास हो वो अच्छे नेबर्स हमारे हों. सर्विसेज इन द नेबरहुड. अब नेबरहुड में क्या क्या सर्विसेज होती हैं, आप देखते हो आपके घर के आसपास बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना, तो वो कौन कौन सी होती है वो पढ़ेंगे और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है. देयर आर मैनी सर्विसेज अवेलेबल इन आर नेबरहुड विच आर वेरी यूजफुल टू अस. हमारे घर के आसपास बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, जैसे क्या होता है, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक होते हैं, है ना, शॉप्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, मार्केट है या फिर बैंक वगैरह, ये सब क्या हमारा नेबरहुड है और ये हमारे लिए यूज़फुल भी है ना. These services make our neighborhood a better place to live in. और ये जो services होती हैं सारी, जो भी हमारे हम अभी पढ़ेंगे services, अगर ये हमारे घर के आसपास है, हमारे neighborhood में है, तो ये रहने के लिए एक अच्छा जगह बनाती है ना. अगर हमारे आसपास हॉस्पिटल है तो हम क्या, कभी तबीयत ख़राब हुई तो एकदम से हॉस्पिटल या क्लिनिक, डॉक्टर की क्लिनिक में जा सकते हैं, हम बैंक में जा सकते हैं ना. तो ये क्या होता है, हमारी जो जितनी जो हम लाइफ जी रहे हैं उसको क्या बनाती है, आसान बनाती है. वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द पीपल हु ऑफर दीज सर्विसेज. हमें जो है उन लोगों की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए उन लोगों का जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सर्विस हो. एक सब्ज़ी बेचने वाले जो आते हैं भैया, वो हों या कोई भी हो, सबसे क्या करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना. देन इम्पॉर्टेंट सर्विसेज अवेलेबल इन आर नेबरहुड. अब कौन कौन सी सर्विस हमारे नेबरहुड में होती है, सबसे पहले मार्केट. आप लोग मेहरौली में रहते हो, मेहरौली में कितनी बड़ी मार्केट है ना, तो ये हमारे नेबरहुड है. वी बाय थिंग्स ऑफ आर डेली यूज़ फ्रॉम द मार्केट. हम क्या करते हैं, अपने मार्केट से, मार्केट में जाके जो भी हमारी डेली यूजेज की चीज़ें होती है वो ख़रीदते हैं. आप यहाँ जाते हैं ना मेहरौली मार्केट मम्मी पापा के साथ, तो ये क्या है, हमारे नेबरहुड में मार्केट भी आता है सबसे पहले. वी कैन बाई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, टॉयज, बुक्स फ्रॉम मार्केट. आप जाते हो मार्केट में, वहाँ बुक्स की अलग शॉप्स होती है, फ्रूट्स होते हैं या फिर जो है टॉयज लेते हो आप लोग, है ना, कपड़े लेते हो, तो सबकी शॉप कहाँ होती है, मार्केट में होती है और हम वहाँ से जाके ख़रीदते हैं. अ पर्सन हु सेल्स एनी आर्टिकल इन अ शॉप इज़ नोन एज शॉपकीपर. आर्टिकल मतलब कोई भी सामान, कोई भी चीज़ें. एक इंसान, एक आदमी जो क्या कर रहा है, कोई भी सामान बेच रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शॉपकीपर. क्या बोलते हैं, शॉपकीपर. जो एक दुकान में रह के कोई भी सामान बेच रहा है उसे क्या कहते हैं हम, शॉपकीपर. देन अनदर क्या आता है, स्कूल. आप लोग जाते हो स्कूल, सो स्कूल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आर नेबरहुड. स्कूल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे नेबरहुड में. क्यों इम्पॉर्टेंट है, वी लर्न मैनी थिंग्स इन द स्कूल. हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं स्कूल में, है ना,
आप लोग आते हो स्कूल में सीखते हो, टीचर्स टीचर्स टू रीड राइट एंड प्ले, टीचर्स जो हैं वो हमें लिखना पढ़ना और खेलना ये सब सिखाती हैं, है ना। जब छोटे बच्चे होते हैं हमें कैसे से खेलना है, कितनी सेफ्टी रखनी, ये सब हमें सिखाया जाता है। वी ऑल्सो लर्न गुड हैबिट्स एंड मैनर्स इन द स्कूल, हम जो है स्कूल में क्या सीखते हैं, गुड मैनर्स सीखते हैं, है ना, अच्छी आदतें सीखते हैं। ये सब हमें कहाँ सीखने के लिए मिलता है, स्कूल में। देन द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल, अब प्रिंसिपल, आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं, प्रीति मैम आपके प्रिंसिपल हैं, तो वो क्या है, हमारे स्कूल की हेड है। जो भी डिसीजंस वगैरह होते हैं स्कूल के अंदर वो कौन लेता है, प्रिंसिपल मैम, है ना, या प्रिंसिपल सर, किसी स्कूल में सर होते हैं, किसी में मैम होती हैं, तो प्रिंसिपल जो होते हैं वो हेड होते हैं स्कूल के। देन हॉस्पिटल, वी गो टू हॉस्पिटल वैन वी आर सिक और इंजर्ड, हम हॉस्पिटल कब जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं या फिर हम इंजर्ड, कोई भी तकलीफ होती है, चोट लग जाती है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डॉक्टर्स एंड नर्सेस क्योर अस विद मेडिसिन एंड इंजेक्शंस, जो डॉक्टर्स और नर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी केयर करती हैं, हमारी देखभाल करती हैं, चेकअप करते हैं, है ना, डॉक्टर्स हमारा चेकअप करते हैं, नर्सेस जो है वो देखभाल करती है ना, और हमें क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं या फिर इंजेक्शन की हमें ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और हम क्यों जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन वगैरह लगाने के लिए वो भी हम हॉस्पिटल जाते हैं। अब हॉस्पिटल, अगर हमें एम्बुलेंस बुलानी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एम्बुलेंस कैन बी कॉल्ड बाय डायलिंग 102, अगर हमें एम्बुलेंस बुलानी है तो हमें क्या नंबर डायल करना होगा, 102 जो होता है वो एम्बुलेंस के लिए कॉलिंग नंबर होता है, ठीक है, ये इमरजेंसी नंबर जिसे हम कहते हैं। पीपल गो टू द हॉस्पिटल फॉर टेकिंग वैक्सीनेशन, देखो ये लिखा है ना, बच्चा है देखो हॉस्पिटल गया है वैक्सीनेशन के लिए, इंजेक्शन छोटे बच्चों को लगते हैं तो वो कहाँ जाते हैं इंजेक्शन के लिए, हॉस्पिटल्स। देन हॉस्पिटल्स आर जनरली फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स, अब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें, या तो सिटीज़ में, है ना, शहरों में मिलते हैं, टाउन्स में मिलते हैं, तो अब गाँवों में क्या होता है, गाँव के लोग कहाँ ट्रीटमेंट करवाएंगे, वो क्या दूर शहरों में जाएंगे ट्रीटमेंट करवाने, नहीं, उनके लिए क्या होती है, विलेजेस एंड रिमोट एरियाज हैव डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ केयर सेंटर्स वेयर पीपल आर गिवन ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन फॉर देयर सिकनेस। गाँवों में क्या होता है, या तो डिस्पेंसरीज होती हैं, जैसे मेहरौली में भी है डिस्पेंसरी, ऐसे गाँवों में भी होते हैं, या फिर छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, हेल्थ केयर सेंटर जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, लोग अपना चेकअप करवाते हैं। देन केमिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे नेबरहुड का, क्यों है, हमें डॉक्टर्स जो भी मेडिसिन वगैरह लिख के देते हैं वो हमें कहाँ से मिलेगी, डॉक्टर्स तो नहीं देंगे ना, वो कहाँ मिलती है हमें, केमिस्ट की शॉप में। आपने मेहरौली में देखा होगा कितनी सारी केमिस्ट शॉप है, जब किसी की तबीयत ख़राब होती है घर में फैमिली में तो कहाँ जाते हैं हम मेडिसिन लेने, दवाई लेने, कहाँ जाते हैं, केमिस्ट शॉप में। देन फायर स्टेशन, अब फायर स्टेशन क्या हेल्प करता है, जब कहीं पे भी फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो हम किसको कॉल करते हैं, फायर स्टेशन को। द फायरमैन पुट आउट फायर विद द हेल्प ऑफ लेडर्स एंड वाटर हॉसेस, जो फायरमैन होता है वो क्या करता है, जो आग लग जाती है उसको बुझाने का काम करता है, किसकी हेल्प से, जो उनके फायर इंजन होता है ना उसमें क्या लगा होता है, एक लेडर होती है, लेडर मतलब सीढ़ी होती है, सीढ़ी और पानी के पाइप होते हैं जिसकी हेल्प से क्या करा जाता है, जो फायर होती है उसको बुझाया जाता है। फायर इंजन कैन बी कॉल्ड बाय डायलिंग 101, अगर हमें कभी भी इमरजेंसी में फायर इंजन को बुलाना होता है, कहीं आग लग जाती है हमें फायर इंजन को बुलाना है, तो उसके लिए क्या होना है, कौन सा नंबर हम डायल करते हैं, 101, है ना, 101 डायल करना चाहिए। देन पुलिस स्टेशन, अब आपने मेहरौली में देखा होगा, मेहरौली में पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन क्यों ज़रूरी है हमारे नेबरहुड में, वी कैन रजिस्टर कंप्लेंट्स ऑफ थीफ, एक्सीडेंट, किडनैपिंग एट्सेट्रा, हम पुलिस स्टेशन में जाके क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारी जो कंप्लेन है एक्सीडेंट से या किडनैपिंग से या फिर चोरों से रिलेटेड, वो कहाँ रजिस्टर करवाते हैं, हम पुलिस स्टेशन में। पुलिस ऑफिसर, द पुलिस ऑफिसर हु वर्क एट द पुलिस स्टेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया, अब जैसे मेहरौली में जो है पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर जो सीनियर ऑफिसर होता है वो होता है, ठीक है। अब वो किस के, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जैसे मेहरौली के एरिया का सारा जितनी भी जो लॉ ऑर्डर्स होते हैं ना, कानून होते हैं, नियम कानून, वो कौन करता है,
मतलब हम लोगों को कौन समझाएगा, वो ऑफिसर्स उसकी ड्यूटी होती है, वो अपने अंडर में उस एरिया को जो है सुरक्षित रखता है। द वेरियस एक्टिविटीज़ डेट अ पुलिस ऑफिसर परफॉर्म आर इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स, प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी, रजिस्टरिंग एक्सीडेंट एट्सेट्रा। अब उसकी और ड्यूटीज़ क्या होती है, अलग अलग ड्यूटीज़ होती है। जैसे कहीं से उसे कंप्लेन आई है कि वहाँ पे चोरी हो गई है, तो वो क्या करता है, क्या पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे करेगा इन्वेस्टिगेशन? नहीं, वो वहाँ जाएगा, वहाँ पे सारा जाके देखेगा कि क्या है, कैसे हुआ, पूरी वो इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, है ना। ऐसी कोई भी एक्सीडेंट होता है उनको रजिस्टर करता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन किसकी होती है, पुलिस ऑफिसर। द पुलिसमैन कैच द थीव्स एंड रॉबर्स। पुलिसमैन क्या करता है कि चोरों को जो है पकड़ता है, या फिर जो डकैत होते हैं ना उनको पकड़ता है। अब पुलिस, अगर हमें इमरजेंसी में पुलिस बुलानी है तो हमें क्या डायल करना होता है, 100 नंबर 100 जो नंबर होता है वो किसका होता है, कॉलिंग टू पुलिस। वी डायल 100 टू कॉल द पुलिस। पुलिस को कॉल करने के लिए 100 नंबर डायल करना होता है। देन बैंक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस। वी कीप आर मनी एंड ज्वेलरी सेफ इन अ बैंक। हम अपनी जितनी भी मनी होती है या फिर ज्वेलरीज होती है ना, ज्वेलरी होती है मम्मी लोगों के पास या फिर पैसे होते हैं, वो कहाँ हम सेव करते हैं, कहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक में। वी कैन डिपॉजिट और विड्रॉ आर मनी। डिपॉजिट मतलब जमा करना कराना, विड्रॉ मतलब निकालना। हम अपनी जो पैसा होता है वो बैंक में जमा भी करवा सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं। वी कैन कीप आर वैल्यूबल्स इन द बैंक। हम जितनी भी हमारी कीमती चीज़ें होती हैं वो कहाँ रख सकते हैं, बैंक में। बैंक की बैंक्स गिव इंटरेस्ट ऑन द मनी वी डिपॉजिट। जो हम मनी डिपॉजिट करते हैं उसमें क्या देती है, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। बैंक प्रोवाइड अस लोन्स टू फुलफिल आर नीड्स। और अब जो है बैंक्स क्या करती है, बैंक का क्या काम है, वो हमें लोन्स भी प्रोवाइड करती है। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे जो प्लेसेस होते हैं जिनको घर बनाना है, जहाँ पे घर बन रहे हैं, तो वहाँ के लिए जो है अगर किसी को नीड है, किसी को ज़रूरत है, तो वो लोन भी ले सकता है बैंक से अपने घर को बनाने के लिए। देन वी हैव द बैंक मैनेजर हेड्स द बैंक। जो बैंक मैनेजर होता है या होती हैं वो क्या होती है, बैंक की हेड होती है। जैसे स्कूल के हेड प्रिंसिपल, वो उसी बैंक के हेड बैंक मैनेजर, हर एक ब्रांच का एक बैंक मैनेजर होता है। अब पोस्ट ऑफिस, अब कहीं जगह होता है बैंक नहीं होंगे तो वो क्या, वहाँ क्या होता है, पोस्ट ऑफिसर्स भी होते हैं। गाँवों में आप सुनते होंगे बैंक नहीं है तो पोस्ट ऑफिस वहाँ पे बहुत होते हैं, और पोस्ट ऑफिस यहाँ भी है। अब पोस्ट ऑफिस का काम क्या है हम ये समझेंगे। पोस्ट ऑफिस इज़ अ प्लेस वेयर वन कैन सेंड और रिसीव लेटर्स एंड पार्सल्स। पोस्ट ऑफिस में हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम अपने लेटर्स भेज सकते हैं, या फिर लेटर्स को रिसीव कर सकते हैं, या फिर पार्सल्स को, है ना, पार्सल्स भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस हेल्प अस टू कनेक्ट विद पीपल स्टेइंग फार ऑफ। पोस्ट ऑफिस हमारी क्या हेल्प करता है, जो लोग हमसे बहुत दूर रह रहे हैं उनके साथ हमें कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। देन पोस्ट ऑफिस से हमें क्या क्या वो प्रोवाइड होती है, ठीक है, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, बैंकिंग, है ना। पोस्ट ऑफिस में जो है स्पीड पोस्ट, किसी को हमें लेटर वगैरह भेजना है, बहुत जल्दी भेजना है तो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देते हैं, या फिर पैसे भेजने हैं तो मनी ऑर्डर, ठीक है, या फिर बैंकिंग मतलब हमें पैसे जमा करवाने हैं, निकलवाने हैं, ये काम पोस्ट ऑफिस में भी होता है। जैसे बैंक में होता है वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी होता है। पोस्टमैन होता है पोस्ट ऑफिस में, है ना, पोस्टमैन होता है आप लोगों के घर जो है लेटर्स या फिर कोई भी पार्सल्स लेके कौन आता है, पोस्टमैन। हम लेटर्स भेज रहे हैं कोई भी, है ना, पार्सल्स, ये कौन लाता है, हमारे पोस्टमैन। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस है, अगर आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो कहाँ से निकालोगे, तो वो कहाँ से निकलते हैं, एटीएम मशीन से। वी कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम मशीन एट एनी टाइम ऑफ द डे। हम दिन भर या रात में भी निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ दिन में, हम रात में भी क्या कर सकते हैं, एटीएम मशीन में जाके अगर हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम पैसे निकाल सकते हैं। और उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हमें बैंक की तरफ से एक जो है एटीएम कार्ड दिया जाता है जिसकी हेल्प से हम पैसे निकालते हैं। अब अनदर क्या है, और भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से प्लेसेस हैं। जैसे पार्क, चिल्ड्रन प्ले एंड एल्डर्स जॉग एंड एक्सरसाइज इन द पार्क। पार्क होता है आपके घर के आसपास, है ना, महरौली में भी पार्क्स हैं, तो पार्क्स भी हमारे क्या नेबरहुड में आता है। यहाँ पे जाके लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, है ना, या फिर बच्चे जो हैं वो जाके खेलते हैं, तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। देन रेस्टोरेंट, होटल्स,
वी कैन ऑर्डर फूड फॉर होम डिलीवरी और गो एंड डाइन आउट इन अ रेस्टोरेंट। हम क्या कर सकते हैं, हम जो है रेस्टोरेंट या होटल्स में जाते हैं जब हम मन करता है कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाना है तो हम रेस्टोरेंट्स या होटल्स में जाते हैं। वह जाके दिन का खाना, रात का खाना, किसी भी टाइम हम खाना खा सकते हैं या फिर हम घर में भी मंगवा सकते हैं, है ना, होम डिलीवरी भी होती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस क्या है नेबरहुड में, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब पूजा करने की जगह है ना। हमारे आसपास भी देखते होंगे आप, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च भी है ना। तो ये सब क्या है, हमारे पूजा करने के अलग अलग जगह हैं जो हर एक नेबरहुड में होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज अपने नेबरहुड के बारे में पढ़ा कि हमारे नेबरहुड में क्या क्या होते हैं प्लेसेस और वो हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।